सभापति महोदय, सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनाधिकृत कॉलोनी में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता विधेयक 2019 पर जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, पूरा देश देख रहा है कि 30-40 साल से जिन अनाधिकृत बस्तियों को लेकर दिल्ली में हमेशा आंदोलन होते रहे, दिल्ली के अंतिम छोर पे बैठा गरीब आदमी जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आकर दिल्ली के अंदर अपना जीवन यापन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बच गया, लेकिन आज भी उसको अधिकार नहीं मिला कि वो दिल्ली का वासी है। प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गांवों के अंदर जो 1 करोड़ से लगभग मकान स्वीकृत किए, 27 लाख बना के दे दिए और 50 लाख से ज्यादा बन के तैयार, ये तो होगी ग्रामीण लोगों के लिए गांव की योजना। और दिल्ली के अंदर हर बार चुनावी नारा लगता था जब दिल्ली के चुनाव आते कि अनाधिकृत रूप से या जो कॉलोनियां बस गई सरकारी जमीन पे, दूसरी जमीनों पे, उनको हक देंगे। लेकिन कई सरकारों को देखा लगातार, 20-25 साल से देख रहे हैं, 30 साल से देख रहे हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं करी कि उन गरीबों को नियमन का अधिकार मिले, उनके बच्चों को सारे राइट मिले, वो अपने घर पे लोन ले सके, सारा काम कर सके, सरकारी जो फायदे ले सके। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह जी, इनको भी धन्यवाद कि मान साहब क्या तैयार होकर आ गए, क्या तैयार होकर, नहीं नहीं हनुमान जी तैयार होकर आप, आप इधर एड्रेस तो मेरे को आपस में बात नहीं, आपका ध्यान रखता हूँ। भगवान मान जी, आप भगवान मान जी बैठिए, आप जो आप बैठ जाओ भगवान मान जी, अजी मैं भगवान मान जी बी सीटेड, आप पार्टी तो दिल्ली के बाहर है ही नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, तो दिल्ली दिल्ली में ही है, सीमित है आप तो, उत्तर तो हमारी खुद की पार्टी। हनुमान जी आप इधर देख के बात कीजिए। अरे यार आप पार्टी जैसे हमारी खुद की पार्टी है, मत करो आप ज्यादा, आप खुद पार्टी लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। सभापति महोदय, मान साहब, मान साहब तैयार होके, हनुमान जी आप चेयर को एड्रेस कीजिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए। यार मैं ही मिला क्या आपको, सुबह सुबह से ना लोग बोल रहे थे। अच्छा ठीक, सभापति महोदय मैं बस इस बिल पे आ रहा हूँ साहब। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि दिल्ली के उन गरीबों की चिंता अंतिम छोर पे बैठे इस देश के जवान गरीब किसान की चिंता निश्चित रूप से। हाँ विपक्ष वाले 2-3 दिन से इसलिए ज्यादा राजी हो रहे हैं कि 2-3 उपचुनाव जीत गए कुछ महाराष्ट्र के अंदर कि हमारी शपथ होगी, आपने तो पूरा वहां मिक्स वेज बना दिया महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या हो गया उसमें, कोई ज्यादा वो थोड़ी हो गया, इससे ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2024 तक का पट्टा प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने दे रखा है। 2024 तक आपको चाहे आप कितना ही कुछ कर लो, बाइकाट कर लो, बाहर चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो आप सुनते जाओ, हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुनो, कितना आनंद आता बताओ आप। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से दिल्ली की तमाम कॉलोनियां जिनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, 40 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित होगी। 40 लाख लोग दुआ देंगे प्रधानमंत्री जी को कि हमेशा लोग वोट के लिए घोषणा पत्र के अंदर बात लेके आते हैं, लेकिन अनाधिकृत बस्तियों को नियमित किसी ने नहीं किया, तो बहुत बड़ी दुआ, गरीब की दुआ प्रधानमंत्री जी को लगेगी। इसके अंदर कॉलोनियों में रहने वाले देश के लोगों को जो कोने कोने से आके रह रहे हैं, सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा, मकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे, बैंक से लोन ले सकेंगे, और इस सोच के साथ आज हमारी सरकार ये बिल लेके आई है। सभापति महोदय, संपत्तियों का पंजीकरण स्टाम्प शुल्क में भी इसके अंदर रियायत मिलेगी। महोदय सरकार ने इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास में मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का फैसला किया। एक बात मेरे से पूर्व सांसद जो कही थी, निश्चित रूप से आज हर आदमी शहर की ओर भाग रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि रोजगार की तलाश में उसको शहर के तरफ जाना पड़ता है, गांव खाली हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हमारे गांव के अंदर जो आबादी हुआ करती थी, आज सारे सारे लोग शहरों के अंदर आके बस गए
और बारीक क्षेत्रों के अंदर कहीं कहीं नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर और दिल्ली में वो रोजगार की तलाश के अंदर आए तो बेरोजगारी की समस्या के ठोस समाधान पर भी ये सरकार निश्चित रूप से काम करेगी, क्योंकि 70 साल के खड्डे भरने में 10-15 साल लगेंगे, एक दिन के अंदर नहीं भरे जाएंगे जो खड्डे खोदिए। एक मिनट सभापति महोदय, लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। इस निर्णय से 175 वर्ग किलोमीटर में फैली 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमन होगा। सभापति महोदय, आज गरीब के हितों के लिए देश की सरकार बहुत बहुत बड़ा कदम उठा रही है। देश के प्रत्येक शहर में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग मूल धारा से जुड़े, उनका भी विकास हो, उन्हें भी हर वो अधिकार मिले जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। इस सोच के साथ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो बिल लेकर आई है उसमें हम सब मिलकर समर्थन करें, और आज जब बिल दिल्ली के अंदर आ गया तो निश्चित रूप से देश के तमाम उन महानगरों के अंदर, उन तमाम नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र के अंदर भी जो लोग बैठे हैं किसी न किसी कारण से उनके नियमन नहीं हो रहे हैं, काम अटके पड़े, उन सबको भी एक आस और उम्मीद जगी कि हमें भी घर मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को इस बात का बारंबार। मुख्यमंत्री जी कौन सा वाला है? हरदीप सिंह जी का दो बार बोल दिया ना मैंने कि आपने किस सोच के साथ उन गरीबों की चिंता जाहिर की, इस बिल को बनाने में आपने कितना समय लगाया पूरा, तो इनका दो बार दे दिया मैंने, एक बार मान साहब आपके कहने से और दे दिया हरदीप सिंह जी का, क्योंकि हमारा और सरदारों का एक ही सिस्टम है सारा, इसलिए विशेष रूप से आपसे हमारा लगाव भी है। महोदय, मैंने प्रधानमंत्री जी का, मंत्री जी का और तमाम जो विपक्ष हमारे साथियों ने अच्छी बात रखी, इस बिल का विरोध किसी ने नहीं किया, कहीं ना कहीं अपनी बात रखी, तो निश्चित रूप से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, गरीब को भी अच्छी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और रहने का और अच्छी आबो हवा, और दिल्ली को लेकर दो चर्चाएं हुई। रवीश वर्मा जी, परवेश जी की तो पूरी दिल्ली अब आप ही करेंगे, सुनो मैं तो इनके सहयोग के रूप में हूँ दिल्ली में, दिल्ली के पर्यावरण को लेकर जी, पर्यावरण को लेकर चिंता करी, प्रदूषण को लेकर चिंता करी और अनाधिकृत बस्तियों को आप नियमित करने जा रहे हो, ये बिल ऐतिहासिक है, आरएलपी पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। सदेश वर्मा जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी।